मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच 3 बार गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। हर दौरे पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे, जन कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे तो साथ ही शिक्षा व संस्कृति के समारोह से जुड़ेंगे। इस दौरान वह समाज के प्रबुद्ध लोगों से संवाद भी करेंगे। इन दौरे के दौरान कुल मिलाकर मुख्यमंत्री करीब 3,000 करोड़ रुपए की प्रमुख विकास परियोजनाओं को गतिमान करेंगे। 8 दिनों के दरमियान मुख्यमंत्री का पहला दौरा 27 नवंबर को होगा। इस दिन वह 474.42 करोड़ रुपए की लागत वाले गोरधोहिया नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा नाले के इंटरसेप्शन डायवर्जन व ट्रीटमेंट के निर्माण से संबंधित परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 27 नवंबर को ही सीएम गोरखपुर सिवरेज योजना C5 की भी आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना की लागत 561.34 करोड़ रुपए है। सीएम के हाथों 96.50 करोड़ रुपए की लागत वाले जेल बाईपास 4 लेन पर खजांची चौराहे पर फ्लाईओवर की भी शिलान्यास होगा। इसके साथ ही आयुष विश्वविद्यालय की महत्ता के दृष्टिगत भटहट से बास स्थान मार्ग के 4 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत 689.35 करोड़ रुपए है। इन सभी 4 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के शिलान्यास का समारोह 27 नवंबर को अपराह्न 4 बजे से वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में होगा, जहां मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दूसरे दिन 28 नवंबर को सीएम योगी सुबह 10 बजे चंपा देवी पार्क मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के समारोह में शामिल होकर जन सामान्य को आश्वस्त करेंगे कि उनके रहते किसी गरीब की बिटिया की शादी के लिए किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस समारोह में मुख्यमंत्री 9 युगलों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 30 नवंबर को पुनः गोरखपुर आएंगे। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होकर करीब 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। उनके हाथों प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क तथा फ्लेटेड फैक्ट्री का शिलान्यास भी होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के पूर्व मुख्यमंत्री का गीडा दौरा प्रदेश में निवेश के माहौल को और मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि गीडा दिवस समारोह में बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव मिल सकते हैं। 8 दिनों के दौरान तीसरे दौरे पर मुख्यमंत्री 4 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ अवसर पर मौजूद रहेंगे। इसी दिन अपराह्न 4 बजे से वह 4 प्रमुख विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम राप्ती नदी में गिरने वाले कटनिया महेवा नाले के इंटरसेप्शन डायवर्जन एवं ट्रीटमेंट से संबंधित परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना की लागत 53.03 करोड़ रुपए है। वह 429.49 करोड़ रुपए की लागत से टीपी नगर चौराहे से देवरिया बाईपास तिराहा होते हुए पैडलेगंज तक 6 लेन फ्लाईओवर के निर्माण तथा अतिरिक्त 4 लेन द्वारा देवरिया बाईपास रोड को जोड़ने के लिए फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर उपमार्ग देवरिया बाईपास के 4 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी होगा। इस परियोजना की लागत 399.24 करोड़ रुपए है। 67.35 करोड़ रुपए की लागत से रामगढ़ ताल नौकायन से देवरिया बाईपास तक 4 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया जाएगा। शिलान्यास के ये सभी कार्य महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में होंगे। शिलान्यास समारोह के साथ ही मुख्यमंत्री यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। 4 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे गीता प्रेस में आयोजित गीता जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे।